आपको कहाँ से शौक चढ़ा कि मुझे ऐसे सोना पहनना? हमारी अम्मा का ख्वाहिश था मैं सोना पहनने का। पुणे से दो भाई बहुत फेमस है, सन्नी और बंटी। यस, उनके इलाके में उन लोगों का शहर है, ये हमारा इलाका है। हैदराबाद में कौन है बोलते, सिर्फ ओल्ड सिटी सूर्या भाई दिखना। आपको कभी ऐसा हुआ है कि मतलब नेशनल लेवल पर भी आप मतलब जाएं? से पहले बिग बॉस का अपॉर्चुनिटी भी आया था मेरे को। अच्छा। मैं रिजेक्ट करा। कभी सोचा है कि राजनीति में आकर जब आपके पास पावर हो तो? राजनीति बोलते पूरा गैम्बलिंग है। आपका साउथ में कोई ऐसा फेवरेट एक्टर है? मैं इससे पहले बोलता था तुम्हारा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है बोलता, माँ बाप बोलता था। माँ बाप के साथ आप पवन कल्याण को मिला के बोल रहा हूँ। चोर चकार कहाँ समझते, अच्छे लोगों को ही लूटा जाता है। 10 जनों अटैक करे तो भी उन लोगों को एंगल करने का कैपेसिटी है ये होल सिटी सूर्या भाई के पास। बॉलीवुड का एक मशहूर गाना है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। मन तो मैं आपको सोने का नहीं दिखा सकती, लेकिन एक ऐसे शख्स से जरूर मिलवाऊंगी जिसका तन सोने से लदा हुआ है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं तेलंगाना के हैदराबाद की ओल्ड सिटी से सूर्या भाई, जिन्हें कहा जाता है कि ये सिर्फ पुराने शहर ही नहीं बल्कि पूरे शहर के सूर्या भाई हैं। नमस्कार, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अधान हिंदी में। सबसे पहले सवाल तो मेरे मन में जो है, आपका ये सोना वोना देखकर सच सच बताना, बचपन में कोई बाबा हाजम का कोई खजाना वजाना लग गया था क्या आपके हाथ में? इतना सोना ऐसा आपके पास? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ख्वाहिश था, हमारी अम्मा का ख्वाहिश था मैं सोना पहनने का। अच्छा, तो इसलिए मैं सोना पहना। कितना मतलब जो आपने ये चेन पहन रखी है, कितना अप्रोक्स इसका प्राइस होगा, कितना लाख लेकर घूम रहे हैं अभी आप अपने साथ? ये खाली तेज लेके घूम रहा हूँ, कितना लाख बोले तो खाली तेज लेके घूम रहा हूँ वो तो नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, अप्रोक्स फिर भी 5-6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, आप समझो कितना भी। अच्छा। कितना समझ रहे हैं आप? देख के तो लग रहा है 10 लाख तो मिनिमम मुझे लग रहा है। 10 लाख मिनिमम, कम से कम 10 लाख को एक चेन नहीं आती, बात तो है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये मतलब आपको कहाँ से शौक चढ़ा कि मुझे ऐसे सोना पहनना है? मतलब सिर्फ आपकी, आपने बताया जैसे कि आपकी मम्मी की ख्वाहिश थी कि आप सोना पहने, ये आपका मतलब आपको कैसे, कब स्टार्ट किया आपने ये पहनना? हमारे जितने भी जो फ्रेंड सर्किल है ना, हर कोई सोना पहनते। अच्छा। तो उन लोग एक 10-15 ईयर्स थे, उन लोगों से मेरी दोस्ती है। अच्छा। उन लोग हर एक इवेंट को आते मेरे घर पे आते और कुछ जुलूस में उसमें इसमें आते। तो हमारी अम्मा बोलती थी, अरे तुम्हारे फ्रेंड सर्किल पूरा सोना पहन लेके घूम रहे ना, अपने पास पैसे भी है तू भी सोना बना लेके पहनो बोल के बहुत बार हमारा मम्मी मेरे को बोल रही थी। अच्छा। मगर जब छोटे पहनता था तो लास्ट बिफोर 2 ईयर्स के नीचे मम्मी एक्सपायर हो गए, मम्मी पास हो गए, तो उसके बाद में मम्मी का ख्वाहिश था मैं सोना पहन लेके हमारे फ्रेंड जैसा घूम रहे ऐसा घूमना बोल के। तो पहले से पहनने से पहले से अच्छा मेरा नाम है। अच्छा। ये सोना पहना बोल के वो नहीं है। अच्छा, सोना पहनने से पहले से आपका नाम? 15 साल से मेरा नाम होल सिटी सूर्या भाई बोलते, इज द ब्रांड है। अच्छा, मम्मी का कायस है बोल के पहन रहा हूँ बस। क्या, कैसे मतलब आप बिना सोना पहने कैसे आपने नाम कमाया अपना, जैसे कि आप बता रहे हो? क्यों नहीं कमा सकते, अगर दिल साफ रहे तो। अच्छा, भगवान का आशीर्वाद अपने ऊपर रहती, मेरा दिल बहुत मेरा देखो, सोने पहने तो गोल्ड मैन नहीं होता, सोने वाला नहीं होता, सोने का रहना, वो दिल मेरे पास है बोल के भगवान यहाँ तक लाया। जैसे मैं आम तौर पर होता है, जैसे दुल्हन जो रहती है ब्राइड, उनका लहंगा होता है 2.5-3 kg का। तो जब भी शादी होती है तो वो मैंने देखा है दुल्हन मतलब ऐसे लहंगा कैरी करती है तो 3 घंटे के अंदर वो परेशान हो जाती है। आपका सोना देख के मैं वजन का अंदाजा लगा सकती हूँ कि 3-4-5 kg तो आप आराम से उठाकर चल रहे होंगे। आपको दिक्कत नहीं होती मतलब इतना भार उठाकर आप चल रहे हो? 3-4-5 kg तो नहीं है। अच्छा, 2.5-3 kg नहीं, कितने भी है। अब देखो कैमरा के सामने आप क्या बोलो, मैं बोलो बोले तो एक परेशानी है, नहीं बोले तो एक परेशानी है। आप समझो, आप 2-3-4-5 आप बोल दे रहे ना, तो कुछ भी आप समझो, परेशानी नहीं होती है इतना भार उठाकर चलने क्यों होते? अगर देखो हम अपन कुछ भी काम करते, कुछ भी अपन करना चाहते प्यार से करे तो प्रॉब्लम नहीं दिखता। दुल्हन से ज्यादा स्ट्रगल मुझे आपका दिख रहा है लेकिन अभी भार उठाने से। अच्छा, ये कैसे मतलब आप घर में भी ऐसे ही सोना पहनते हैं? नहीं नहीं नहीं, सोने टाइम पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, कि सोने के टाइम भी सोना चाहिए? नहीं 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 नहीं,
कभी इवेंट्स है, कुछ पार्टीज है, अगर कई ऐसी इंटरव्यूज है, अच्छा। जब इस पहन तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि सोने से आगे बढ़कर डायमंड पहना जाए? मतलब आपने अच्छा नाम सुना होगा कि पुणे से दो भाई बहुत फेमस है, सन्नी और बंटी, यस यस यस, गोल्डन गदर के नाम, यस यस यस। तो और बिहार में भी एक, मुझे नाम याद नहीं है, मैं भूल रही हूँ, लेकिन वो भी बिहार से भी एक शख्स था, वो भी बहुत फेमस है कि उनको भी सोना पहनने का बहुत शौक है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि मतलब नेशनल लेवल पर भी आप मतलब जाएं? क्योंकि जो वो पुणे के दो भाई थे वो कपिल शर्मा के शो में गए, तो कभी ऐसा हुआ है कि उनको कम्पीट करना, कि उनसे ज्यादा सोना पहनना, इस तरीके से कुछ भी है? मेरे को भी इससे पहले बिग बॉस का अपॉर्चुनिटी भी आया था मेरे को, अच्छा। मैं रिजेक्ट करा, अच्छा। बिग बॉस में नहीं गया मैं। अब देखो आप बोल रहे सन्नी उन लोग बोल के, उनके इलाका में उन लोग शेर है, ये हमारा इलाका है, हैदराबाद में कौन है बोलते, सिर्फ ओल्ड सिटी सूर्याबाई दिखना, वहां तक लातुम नाम मई, और जितने भी लोग हैं ना उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक करना चाहता हूँ मैं, अच्छा। ब्रेक करता हूँ। अब तुम कैसा बोले उन लोग, आप कैसा बोले उन लोगों के नाम, और पंजाब लोगों का कैसा बोले, दूसरे स्टेट में मेरा नाम ऐसा। आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना में बैठकर हम महाराष्ट्र के दो लड़कों का नाम बोल रहे हैं, वैसे ही कभी महाराष्ट्र में आपके नाम का? यस डेफिनेटली, वहां तक लाता हूँ, पक्का होता भी हो। अच्छा, ऑलरेडी स्टेट लेवल चले गए सो है, चलो इंटरव्यू के बाद और जी। मुझे ये चीज बताइए कि आपका, हमने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो उसमें हमें पता चला कि आप SNS नाम के एक फाउंडेशन के ऑनर हैं। yes. उसके बारे में बताइए, और वो किसके लिए काम करता है ये भी बताइए। गरीबों के लिए। अच्छा, अगर आजकल के बच्चे कैसे हो गए तो माँ बाप को मार के बाहर ढकल दे रहे, उन लोगों के लिए, अगर अरे किसी को खाने के लिए तकलीफ है, उन लोग काम गेम नहीं कर रहे, अकेले को पैर नहीं रहता, आता नहीं रहते, उन लोगों के लिए रेशन, गरीबों के लिए समझो, और किसको उनको जगह भी नहीं है सोने के वास्ते, कोई भी नहीं रख लेते, अपने फाउंडेशन में लाते हैं उनको, तीन टाइम खाना खिला के, अच्छा वो मतलब फाउंडेशन को सहारा की आप मदद करते हैं। उन लोगों बोलना कि गरीबों का सहारा सूर्या भाई हमारा, बोलना उन्ना। गरीबों का सहारा सूर्य भाई हमारा, यस। अच्छा, ये बोले हमारे फाउंडेशन में ये नाम। अच्छा अच्छा, ये आपके नाम में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी पहले कि सुरेश भाई मुझे बताया, सुरेश राज, सुरेश आपका वास्तव में क्या नाम है, ये मतलब नाम का क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन है? मेरा नाम सुरेश राज है। अच्छा, मगर ये अपना ओल्ड सिटी, अगर सारे बहुत पीपल सुरेश राज से लेके वोल सिटी सूर्या भाई लगा है मेरा नाम। अपन बहुत कुछ करेसो है। अब देखो नाम लगाने को जो पीपल सुनाए लगाते ऊपर भगवान देना वो नाम, सुरेश राज मेरा नाम से लेके वोल सिटी सूर्या भाई नाम मेरे को भगवान दिया, बहुत खुशी होती मेरे को कभी भी। कहीं को बोलते हो अपन एक नाम लगा लिए भगवान और एक नाम दिया अपने को, बहुत अच्छा लगता मेरे को। लोगों के प्यार से आपको मिला फिर है। हर कोई बोलते है सूर्या भाई, दिल को बहुत खुश होती मेरे को। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ सोने से ही लदे हुए नहीं है, इनका जो मन है वो भी सोने का है। अच्छा, कभी आपने सोचा आप, आपको नहीं देख रहा मैं इतने देर से बात कर रहा हूं। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप इतना जनता के लिए करते हैं या सोचते हैं, कभी सोचा है कि राजनीति में आकर जब आपके पास पावर हो तो शायद आपको और इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिले, आप शायद लोगों के लिए और भी ज्यादा कर पाए? राजनीति में जाना बोल के मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपको क्यों बोले तो राजनीति बोलते पूरा गैम्बलिंग है, झूठ बोलते अपने को उसमें जाने का किसी भी पार्टी का समर्थन इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, पूरा झूठ है वो लाई। भाजपा कांग्रेस कोई भी पार्टी आपको नहीं लगता कि नहीं जो भी कोई भी पार्टी अगर अच्छे कर रहे ना वो पार्टी के तरफ से जय हिंद बोलता हूँ मैं बस। अच्छा, ये ऐसे जो लड़कियां होती हैं उनको बड़ा शौक होता है ज्वेलरी का, ये सब ऐसा होता है क्या, मतलब कि ये लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर ऐसा कुछ? कितने प्रपोजल्स आए हैं आपको अभी तक? मेरे को कई को आते नहीं, कैसे नहीं आते? नहीं, मेरे को नहीं आते, सोने अच्छा। को देख के आते। अच्छा, सोने को मैं सोने नहीं पहने जब अगर फेमस नहीं हुए, जब आगे कोई मेरे को प्रपोज अगर करे तो जब बोलता आई लव यू टू बोल के। आप कोई भी करने दो,
उतना इंटरेस्ट नहीं आता मेरे को अपने ऊपर कुछ। अच्छा, है आपके लाइफ में कोई नहीं है संबंध? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है मेरे को। अच्छा, कभी ऐसा कोई किस्सा नहीं रहा पुराने टाइम में, कोई लव स्टोरी, कभी कोई लड़की लाइफ में आपकी रही हो? अच्छा, हमने सुना है कि आपके, जैसे आपने बताया कि आपके साथ विश्वासघात किया था आपके ही अपने गार्ड में, लड़की की तरफ से भी कभी कोई धोखा वोखा मिला है? लड़की के तरफ से भी हुआ, फ्रेंड्स के तरफ से भी हुआ, बहुत धोखे खा के आप देख रहे ना, अकेला ही छाया। आपको डर नहीं लगता जैसे क्यों डर लगता? अपन थोड़ी लंगा कामा करते, अपन थोड़ी हर किसी के उसमें जाके उंगली करते, अपनी जगह अपन रहते, अपने कने आए तो छोड़ते नहीं। लेकिन चोर चकार कहाँ समझते, अच्छे लोगों को ही लूटा जाता है। अपना कलेजा क्या अपने को मालूम ना, अरे का देखो आपका क्या हिम्मत है आपको मालूम रहता, मेरा क्या हिम्मत है मेरे को मालूम रहता। आपका सोना देख के पहले तो मुझे लगा 300-400 पुलिस वाले तो आपके साथ रहते होंगे। क्यों रहते पुलिस वाले? अच्छा, जैसे आज अपने कोई भी आम इंसान है तो 10,000 रुपए भी अगर वो एटीएम से निकाल रहा है तो 10 बार सोचेगा, गिनेगा, अच्छे से पर्स में रखेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हो कि किडनैप करने की कोशिश की हो कि अरे बहुत सोना है, फिरौती की रकम मांगने की जरूरत ही नहीं है? वो किडनैप करने का तो दूर की बात है, मगर अपने नाम में एक वाइब्रेशन है सूर्या भाई। नाम में चुता वाइब्रेशन है तो आप नजदीक कहां से आएंगे? उतना जिगर किसको भी नहीं, तो कभी आपको दम नहीं है किसको भी, बिंदास नहीं, अकेले बिंदास। और क्या बोलते, 10 जनों अटैक करे तो भी उन लोगों को एंगल करने का कैपेसिटी है ये होल सिटी सूर्या भाई के पास। होल सिटी सूर्या भाई कने अगर आना बोले तो उस दिन सिर्फ उन लोगों तो भी मरना, नहीं तो मैं तो भी मरना। लूट के तो नहीं आ सकते उन, मेरे को जीत के तो असल नहीं आ सकते। सब करने मैं रेडी हूँ, एक बार उतर गया, एक बार उसमें अगर घुस गए ना, बस उन्हों तो भी रहना मैं तो भी रहना। वो तो अभी तक नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो कोई हादसा नहीं हुआ कि किसी ने आपको किडनैप करने की कोशिश की हो या आपका सोना? मैं अभी तो बोल रहा ना, देखो अभी तो बोल रहा ना, उनको नाम में उतना वाइब्रेशन है बोले तो अब उन लोगों के डरते लोग आपसे, डरते नहीं डरते उन लोगों के खुद को मालूम है। और उन लोग किडनैप करने आए तो भी, अगर मर्डर करने आए तो भी मैं उसको फेस करने में रेडी हूँ। अच्छा, मेरा जान गए तो भी परवाह नहीं, अगर मेरा जान तक है तो उनका जान भी ले तो मैं। जैसे हम किसी के फैन होते हैं, आपके भी बहुत सारे फैन होंगे, चाहे वो आप अच्छा काम करते हो इस वजह से, कोई ऐसा खास पल जो बहुत ही आपका फेवरेट फैन मोमेंट रहा हो कि जैसे कि कोई आकर के सेल्फी क्लिक करवा रहा है या आपको कोई अलग तरीके से स्पेशल फील करवा रहा है, तो ऐसा कोई पल हम जनता के साथ आप साझा करिए कि अरे के अर किसी के साथ मैं इतने सारे इवेंट्स में जाता हूँ ना, पहले जो भी मेरा फैन जो भी है ना उन लोगों को हर किसी को नहीं बोल के नहीं ढकलता हूँ। अरे बहुत पेशेंस है मेरे को, उन लोगों को पूरा फोटोज दिए बाद में स्टेज पर जाता हूँ। हर कोई देखो इतना रख ले के इतना एटीट्यूड बताते, अपन इतना रख ले के भी इतना एटीट्यूड भी नहीं है अपने को, एटीट्यूड नहीं रहना, गमन नहीं रहना। और क्या बोलते, अपन दूसरों के बारे में सोचना नहीं, अपन उनके ऐसे रहना बोल के असल नहीं सोचना, अपन अपने ऐसे रहना, अपने को देख के दूसरे सीखना, ट्रेंड अपन क्रिएट करना। कोई दूसरे स्टेज में उनो है आप बोले देखो वो पसंद ही नहीं आया मेरे को, उन लोगों का स्टेज को उन लोगों बादशाह है, अपने स्टेज को अपन बादशाह है। आप देखो आप बोल रहे उन लोगों का नाम, अगर मेरा भी नाम वहाँ बोल रहे, मेरा भी नाम चल रहा उधर ओल्ड सिटी सूर्या भाई बोल के वहाँ चल रहा ऐसा। अच्छा, शेख जो रहते हैं उनके घरों में एक अलग सेटअप होता है, टॉयलेट सीट का गोल्डन रहता है, वो जूते पहनते हैं तो वो गोल्डन रहता है, आपको मतलब ऐसा कोई शौक है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी शौक नहीं है भाई। साल में घर की कबर खोल रहे हैं तो सोने की है, नेल्स भी मैंने सुना है आपके सोने के हैं? नहीं भाई, देखो उन लोगों के ऐसा शौक तो नहीं है मेरे को। अच्छा। सिंपल है, 10 जनों की मदद करना, किसी को प्रॉब्लम है बोले तो अपन जाके ठहरना, अगर कोई अन्याय कर रहा है बोले तो न्याय के लिए लड़ना, सिर्फ आंख पे सोना पहन के फिरना, बस ये शौक है मेरे को। वो कचराकुंडी सोने का बनाना और टीवी को सोना बनाना और रूम को सोना बनाना, वो कार को सोना बनाना वो पसंद ही नहीं है मेरे को। और उससे पहले सब चीज़ों को सोना बनाने से पहले तुम्हारे दिल को तुम सोना बना लो, मित्र दोस्त
यही बोलता मैं। तो जो वो गाना आप सुने थे ना कि सोने जैसा तेरा मन, तो ये इनका तन तो सोने से लदा हुआ है ही, साथ साथ इनका मन भी सोने का है। Yes, definitely, you are right. अब मैं आपके साथ, अच्छा आपने ये बताया था कि आप, आपकी फिल्म आने वाली है कोई? Yes, सुपारी। अच्छा, आपका साउथ में कोई ऐसा फेवरेट एक्टर है जो मतलब बहुत आपको पसंद? आपको ये फिल्म इंडस्ट्री में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन नहीं मिला, खुद अपने को ढूंढ लेते हैं ऐसे है। अच्छा। नहीं भाई, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा खुली बात बोल रहा हूँ, खुद ढूंढ लेते अपने को। ऐसा अपन रैंप वॉक मॉडल है, मुंबई नेशनल लेवल विनर भी हूँ मैं, कॉलेज के टाइम से रैंप वॉक वो ही करता हूँ। खुद अपॉर्चुनिटी आया, वो अपॉर्चुनिटी को अपन अपन उसमें सक्सेस हुए, अपॉर्चुनिटीज बहुत आए और बहुत आगे बढ़े। आज के दिन यहाँ बैठे बोले तो माँ बाप के आशीर्वाद और गॉड के आशीर्वाद से दया से मस्त हूँ मैं कुछ भी पकड़ा और सोना ही छोरा। किसको ज्यादा आप ये करते बोले ना करते। अगर देखो ना, पार्टी में रहो, फ्रेंड्स में रहो, अदर स्टेट में रहो, कोई भी रहें दो, अगर सच्चा दिल से दर्जनों को कोई हेल्प कर रहा, सोशल सर्विस कर रहा, उनको ज्यादा लाइक करता हूँ। ऐसा आप मेरे को, मेरा नजर को कौन देख रहे हैं बोलता? पवन कल्याण, पावर स्टार पवन कल्याण। मैं इससे पहले बोलता था तुम्हारा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है बोलता, माँ बाप बोलता था। माँ बाप के साथ अब पवन कल्याण को मिला के बोल रहा हूँ। अच्छा। पवन कल्याण मेरा इंस्पिरेशन है। पवन कल्याण से आप इंस्पायर्ड? यस। पीएम मोदी भी उनको बता चुके हैं कि yes. पवन कल्याण नहीं आंधी है, आंधी। यस डेफिनेटली। अच्छा, अभी आप इतने बड़े फैन हैं तो थोड़ा बहुत एनेक्ट करके दिखा दीजिए उनका कोई डायलॉग, उनका कोई आपको जो बहुत पसंद हुआ हो, जैसे साउथ इंडियन मूवीज के बहुत सारे डायलॉग होते हैं, चाहे आप तेलुगु में ही बोलकर बता दीजिए, लेकिन उनका एक छोटा सा कोई एक्टिंग करके दिखा दो हमारे दर्शकों को। एक्टिंग करके दिखाओ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पवन कल्याण के फैन हो तो। चलो अच्छी बात है, उनका एक ही बहुत फेमस है, ऐसा मस्त करता है। अच्छा। ये सोना है ना उतना बराबर निहारा, ऐसा करता है, उनका स्टाइल बहुत अच्छी दिखती है। और उनका कोई एक डायलॉग, ये सरदार गब्बर सिंह का है। तो विलन आता, विलन आके वो टक्कर मार के लोगों को चले आता, जब इनो बीच में ठहरता, इनो बोलता कि बाजू हट बोले तो इनो नहरता। अच्छा, तू अकेला है, तू अकेला है, तू क्या करता बोले तो अकेला हूँ मैं, सिर्फ अकेला हूँ। 10 चिड़िया चन्ना बोले तो भी एक चिड़ी से स्टार्ट होता, अकेला हूँ। ये अकेला का दम क्या है आज दिखा तो मैं, बोल के डायलॉग बोलता, मस्त रहती। चलिए अब हम आपसे, आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड। ओके ठीक है। वैसे तो आपके इंटरव्यू से मुझे इस जवाब का अंदाजा हो ही गया है, प्यार या पैसा? प्यार। फिल्म इंडस्ट्री या राजनीति? राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री। लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। बॉलीवुड हीरोइंस या टॉलीवुड हीरोइंस? टॉलीवुड। चंद्रबाबू और जगन मोहन रेड्डी? चंद्रबाबू। रामचरण और एनटीआर? एनटीआर। महेश बाबू और शाहरुख खान? शाहरुख खान। लास्ट गूगल पर क्या सर्च किया है? अगर एक सुपर पावर मिल जाए भगवान की तरफ से तो वो क्या है आप चाहते हैं? मैं भगवान से मांगता हूँ कि अपना जितने भी सारे दुनिया है ना, दुनिया में सिर्फ भूख के लिए कोई भी नहीं मरना, हर किसी को भूख का टेंशन नहीं रहना, उन्हों काम करो नको करो, ये तकलीफ नहीं देना बोल के मांग लेता हूँ मैं भगवान से।